सलमान खान ने अब आखिरकार लगा दी है समर्थ और ईशा की फटकार। हम आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों से इस बात को लेकर अभिषेक अपील कर रहा था कि यहाँ हर बार उसको तो फटकार पड़ती है, लेकिन उसे दरअसल समर्थ और ईशा ही हर बार पोक करते हैं और उनको कभी भी कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन इस बार लगता है कि अभिषेक की सुन ली गई है और जिस तरीके से समर्थ और ईशा को जिल्लत के लड्डू खिलाए हैं सलमान खान ने, उसके बाद उन दोनों के निकले हैं आंसू और अभिषेक ने बजाई हैं तालियां। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है। आप जानते ही हैं कि इस बार एक बार फिर से अभिषेक काफी ज्यादा अग्रेसिव हुआ था जिस दिन आयशा की एंट्री हुई थी। उस दिन समर्थ जो है वो अभिषेक का मजाक बनाता नजर आया और कहता नजर आया कि देखो फिर से एक लड़की तो आई, लेकिन वो बुक है और इसको तो कोई लड़की मिलेगी ही नहीं। तो इस तरीके से जब उसने मजाक बनाया, पहले तो अभिषेक ने इन सारी चीजों को बहुत ही लाइटली लिया, लेकिन समर्थ ने अपनी हदें पार कर दी और वो बहुत कुछ कहता नजर आया। यहाँ पर विक्की भी समर्थ का साथ देते हुए उसकी बातों पर हंसता नजर आया और अंकिता भी। इन सारी चीजों से अभिषेक जब नाराज हुआ तो वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया। उसकी और अंकिता की लड़ाई हुई जिसमें विक्की ने आकर अभिषेक को धक्का भी दे दिया। हम आपको बता दें कि इन सारी चीजों के बाद जो है अब सलमान खान ने साफ साफ कहा है कि अक्सर ये बात नोट की गई है कि यहाँ पर समर्थ और ईशा जो है वो अभिषेक को प्रवोक करते हैं और जब वो गुस्से में आ जाता है तब समर्थ और ईशा ही विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। यहाँ पर पिछले हफ्ते मैंने अगर अभिषेक की फटकार लगाई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि समर्थ और ईशा एकदम सही थे, उनकी कोई गलती ही नहीं थी। यहाँ पर ये दोनों लगातार अभिषेक को प्रवोक कर रहे हैं और अगर इन दोनों ने ये बात बंद नहीं की तो फिर इनको कड़ी सजा मिलेगी। तो इस तरीके से अब आखिरकार सलमान खान ने इन दोनों को फटकार लगाई है जो बेहद ज़रूरी थी। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।